सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साइंस सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर से इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे। ये आपका दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आप लोगों को साइंस विषय का पूरा सिलेबस कम्प्लीटली बताया था और आज से आपके फर्स्ट चैप्टर से हम यहाँ पर आप लोगों के साइंस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस विषय का जो पहला चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये बहुत ही आसान है। हम सभी लोग साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज हर दिन करते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विषय में बहुत ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो आज किस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को इसमें क्लोज करेंगे इसको पढ़ करके, क्योंकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता है। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। दोस्तों, आधुनिक युग विज्ञान का युग है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता हो। आप लोग देखिए, चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे जल परिवहन हो, हर जगह विज्ञान हावी है, यानी कि विज्ञान ने हर जगह तरक्की की है। आप लोग देखिए, पहले पहले ट्रेन कोयले से चलती थी, अब आप लोग देखिए धीरे धीरे ट्रेन अब पेट्रोल डीजल, इसके अलावा अब ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेनें भी चल रही हैं, यानी कि लाइट से भी ट्रेनें चल रही हैं। तो इस तरीके से देश में विकास हो रहा है। जैसे कि पहले जो गाड़ियां चलती थी उनमें पेट्रोल डीजल यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे अभी भी यूज हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही तेजी से हमारे पूरे जीवन में प्रवेश कर रही है, और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो आप लोगों को भी पता है कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई वैसे वैसे ये सब चीजें, इन सब चीजों का आविष्कार होता गया। आप लोग को पता है कि पहले किस तरीके के फोन आते थे, फिर धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल से अब आप लोग स्क्रीन टच मोबाइल चला रहे हैं। तो आप देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी कहीं भी आप देखिए, हर जगह आज के टाइम में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पता ही है। भौतिक विज्ञान में होने वाली जिस प्रगति ने आज के युग को प्रभावित किया है उसका विस्तार पूर्वक विवरण इस प्रकार है, जिसमें पहला है कृषि के क्षेत्र में। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत अधिक प्रगति की है। पहले आप लोगों को पता है कि हमारे देश में पहले अनाज इतना नहीं होता था, इतनी उपज नहीं थी कि हम लोग अपने देशवासियों का भी पेट भर सके। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति के आने से हमारे देश में कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, और इस वृद्धि की वजह से आज हमारा देश चाहे गेहूं हो, चावल हो, हर एक अनाज का निर्यात भी कर रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध है हमारे पास, और अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र हैं जो खेती को और आसान बना रहे हैं। तो जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें हमारे देश ने बहुत ही अधिक प्रगति की है, और आपको पता है कि जो हमारा देश भारत है वो कृषि प्रधान देश है। तो इस तरीके से कृषि के क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत अधिक अपना योगदान दिया है। अब देखिए, इसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में भी दोस्तों जो विज्ञान है इसने बहुत अधिक प्रगति की है, क्योंकि अनुसंधान के द्वारा ही बहुत सारी चीजें नई नई चीजें ढूंढी गई, नई नई चीजों की खोज की गई, और विभिन्न प्रकार के मशीनों का आविष्कार किया गया, जिसकी वजह से अब बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे काम मशीनें ही कर देती हैं। तो आप लोगों को पता है कि जहां पर पहले 10 से 20 आदमी लगते थे जिस काम को करने के लिए, वहां पर एक मशीन ही काफी होती है। उस मशीन के द्वारा आजकल रोबोट आ गए हैं जो बहुत सारे काम को कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो साइंस है उसने बहुत अधिक हेल्प की है मानव की। इसके बाद भवन निर्माण के क्षेत्र में, आपको पता है आज आपको बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, आपको बुर्ज खलीफा दिख रहा है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि साइंस ने बहुत बहुत अधिक तरक्की कर ली है। इसी वजह से आज हम भवन निर्माण के क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। तो विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग आप देखते हो देश विदेश में बनती हैं, और आपको देख करके लगता है कि आखिर में ये किस तरीके से बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे साइंस या टेक्नोलॉजी है। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों को पता है कितनी तरक्की कर ली है हमारे देश ने। दोस्तों, आपको भी पता है कि बहुत सारी बीमारियां पहले ऐसी थी, चाहे हैजा हो, चेचक हो, लोग इन सब बीमारियों से उनकी डेथ हो जाती थी, लेकिन आज के समय में इन सभी बीमारियों के टीके उपलब्ध है। पहले ही बच्चों को इनके टीके लग जाते हैं कि कभी जीवन में इनको ये बीमारियां हो ही ना। आपको पता है कि हमारे देश में पोलियो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से पैर पसार चुका था, लेकिन आज के समय में आप देखिए
पोलियो बिल्कुल खत्म हो चुका है हमारे देश से। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तरक्की कर रहा है और इसका श्रेय भी साइंस और टेक्नोलॉजी को ही जाता है। इसके बाद देखिए परिवहन, संचार व जल संसाधन के क्षेत्र में, तो परिवहन के विषय में तो मैंने अभी आपको बताया ही है, संचार के विषय में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज कहीं ना कहीं इतने सारे स्मार्टफोन है तो उसकी देन कौन है, साइंस और टेक्नोलॉजी ही है। क्योंकि आज आप लोग इन्हीं मोबाइल की मदद से, इन्हीं स्मार्टफोन की मदद से आज आप लोग आसानी से हमारी क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बहुत सारे प्रशिक्षु पढ़ाई कर रहे हैं। जल संसाधन के क्षेत्र में बड़ी बड़ी शिप आप देखते हो, उसमें भी साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरीके से कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह साइंस आपको, हर जगह आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि भारतीय व्यवस्था की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच मुख्य रूप से गेहूं के बेहतर तरीकों का परिचय, कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अब हरित क्रांति क्या है, 2018 में पूछा गया है, तो हरित क्रांति क्या है आप अच्छे से समझिए, और इसके जनक कौन है, भारत में इसके जनक कौन है। तो यहाँ पर आप देखिए, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन से होने वाली भारी वृद्धि से है, जो कृषि की नई नीतियों को अपनाने के कारण हुई है। सन 1960 के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ नया दौर आया। हरित क्रांति के जनक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अर्नेस्ट बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता है प्रोफेसर अर्नेस्ट बोरलॉग, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर भारत में पूछता है एग्जाम में, अगर भारत में हरित क्रांति का जनक पूछता है तो आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन लिखना है, याद रखिएगा दोस्तों। और अगर हरित क्रांति के जनक केवल पूछता है तो प्रोफेसर अर्नेस्ट बोरलॉग लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा में संचार माध्यम, तो इसमें आप देखिए मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, रेडियो एवं दूरदर्शन, कंप्यूटर, अध्ययन केंद्र, यानी कि आपको पता है कि दूरस्थ शिक्षा के ये सभी माध्यम है, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इसके अलावा आज तो मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, इन सभी चीजों से पढ़ाई हो रही है। तो ये सभी क्या है, विज्ञान की ही देन है। अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं दोस्तों, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या एक हाइड्रोजन मिश्रित गैस है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके विषय में और भी आपको देखने को मिलेगा, संपीड़ित प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। यह गैस पेट्रोलियम कुओं से होता है, निकलती है। इसमें 80% से 90% मात्रा में मीथेन, एथेन तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती है। यह गैस तीव्र नीली लौ के साथ जलती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, विज्ञान से किस क्षेत्र में लाभ हुआ है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे दूर संचार का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, सभी में विज्ञान से लाभ हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुसेट है, एजुसेट क्या है, शैक्षिक समिति, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक उपग्रह, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है, एजुसेट याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन में कितना अधिक योगदान दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा, और विज्ञान विषय आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आप लोगों को विज्ञान का क्या महत्व है और विज्ञान की हमें क्यों आवश्यकता है और विज्ञान ने क्या क्या चीजें बदल के रख दी हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एग्जाम में इसे हरित क्रांति किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है। लेकिन इतनी बातें अगर आपने जान ली हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको साइंस पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। साइंस के सारे चैप्टर बहुत ही इजी हैं और बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप लोग आसानी से, इसी चैनल से बने रहिए। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसको भी बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो आप लोग बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए और आसानी से हम सभी चीजों को समझते हुए और साइंस विषय को भी पढ़ते हुए आसानी से इसको भी क्लोज करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, यानी कि फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और आपका सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, इन दोनों पेपर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। इन दोनों का ही लिंक यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा। आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। ज्वाइन बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करने के बाद आपको हम सभी विषयों के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे बात भी कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु प्लीज चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे बने रहिएगा। आपके सभी विषयों को हम पढ़ा करके ऐसे ही क्लोज करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।